दिल्ली की दहलीज पर सर्दियों के दस्तक देने से पहले प्रदूषण की चर्चा आम हो जाती है। सोशल मीडिया पे तस्वीरें शेयर होने लगती हैं। जो लोग हवाई यात्रा करते हैं वो ऊपर से दिल्ली के धुंध वाले आसमान की तस्वीर और दिल्ली से बाहर जाकर के साफ सुथरे आसमान की तस्वीर, नीले आसमान की तस्वीर शेयर करने लगते हैं। चर्चा शुरू हो जाती है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, दिल्ली वालों को दिल्ली से बाहर निकल जाना चाहिए, नीला आसमान कहीं खो गया है, ये क्या हो रहा है, दिल्ली की हवा जहरीली क्यों हो रही है। बताया जाने लगता है कि दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि बीमार आदमी को तो छोड़िए, ठीक ठाक आदमी भी बीमार पड़ सकता है। और इसी के साथ शुरू हो जाता है दिल्ली के आसपास रह रहे किसानों को इस बात के लिए कोसना कि उनकी पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। लेकिन क्या दिल्ली देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ की हवा प्रदूषित हो गई है, जहाँ की हवा जहरीली हो गई है, जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है? जवाब है नहीं। लेकिन ये दिल्ली है साहब, यहाँ 5 मिनट की बारिश भी पूरे देश के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है और दहते बहते गांव की खबर दिल्ली तक देरी से पहुँचती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2018 में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दुनिया के 15 ऐसे शहरों का नाम दिया गया, उनकी रैंकिंग दी गई जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। 15 शहरों की इस लिस्ट में 14 शहर हमारे देश के हैं और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर कानपुर है, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कानपुर है। इस लिस्ट में दिल्ली 6ठे नंबर पर है। लेकिन प्रदूषण की चर्चा जब होती है तो दिल्ली की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, कानपुर की चर्चा नहीं होती, पटना की चर्चा नहीं होती, गया की चर्चा नहीं होती। WHO की रिपोर्ट से ही हमें यह भी जानकारी मिली कि 2016 में हमारे देश में 1,00,000 बच्चों की जान प्रदूषण की वजह से चली गई। लेकिन सवाल यहाँ ये है, जरा ठहर कर सोचिए कि शहरों के नाम मालूम चल गए, ये भी पता चल गया कि 1,00,000 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई, लेकिन इन जानकारियों का हमने किया क्या? सरकारों ने क्या काम किया? हमने बतौर नागरिक क्या काम किया? और अगर सरकारों ने काम किया जैसा उनका दावा है तो वो दिखता नहीं है, कम से कम दिल्ली में तो नहीं दिख रहा। बाकी शहरों में क्या काम हो रहा है, प्रदूषण हटाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। यहाँ गेंद एक पाले से दूसरे पाले में डाली जा रही है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दोष देती है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को दोष देती है और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट दोनों सरकारों को झाड़ लगाती है। जनता की बात करें तो वो मास्क पहन के या कुछ उपाय करके काम पे निकलती है, क्योंकि काम पे निकलना ज़रूरी है। प्रदूषण पे जब चर्चा हो रही है या होती है तो सिर्फ दिल्ली की चर्चा क्यों हो रही है? देश के उन 14 शहरों की सुध कोई क्यों नहीं ले रहा है जो दिल्ली से ज़्यादा या उसके आसपास प्रदूषित हैं? कहने का मतलब कि प्रदूषण पे चर्चा सिर्फ एक रस्म अदायगी बन करके ना रह जाए। अगर हमें चर्चा करनी है और हम इस बात को लेकर के गंभीर हैं तो सालों भर इस पे चर्चा हो, बात हो और वो रास्ते निकाले जाएं जिससे हमारे शहर प्रदूषण से बच सकें, लोगों की जान बच सकें।